यार ये क्या हो गया, पूरा विलेज इन्फेक्टेड हो गया भाई ज़ॉम्बी से। अब क्या होगा हमारा? बाप रे, देख रहे हो गाइस विलेजर्स क्या बन गए, ये कितने खूंखार दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये कच्चा चबा जाएंगे। इनका देखो माथा भी फट चुका है। पता नहीं यार गाइस ये सब कैसे हो गया। कल रात जब मैं आया था गाँव में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब देखो यार ये क्या मुसीबत होती रहती है। मैं आजकल जो भी विलेज में जा रहा हूँ वहाँ पर मुसीबत खड़ी हो रही है। लगता है मुझे माइनक्राफ्ट खेलना छोड़ना पड़ेगा। ये सब विलेजर्स यहाँ पर क्यों जमा है भाई? ओ भाई, तुम्हें मेरे घर मिला क्या? अरे क्या हुआ, मुझसे बात कर। अरे भाई तू ही बता दे मेरे घर मिला क्या तुमको? मेरे घर में आके तुम सब की छुप गए। और ये कौन है? बाप रे, मिलियनेयर दिख रहा है तो बहुत ज्यादा। लगता है बहुत पैसा है इसके पास। पैसा है अंबानी है वो इस विलेज का। लेकिन तुम उससे बात कर। हाँ बोलना भाई, क्या बात करना है? पहले तो मुझे ये बताओ कि गांव में क्या हो रहा है, इस सारे विलेजर्स को क्या हो गया, एकदम नशेड़ी दिख रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पर भीड़ क्यों लगा दी? यार इसलिए क्योंकि तेरा घर सेफ है, यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं घुसा। बाकी पूरे के पूरे विलेज को ज़ॉम्बी विलेजर्स ने तबाह कर दिया। क्या होगा हमारा, अब हम तो निपट गए। यार ये विलेजर्स को हमेशा मैं ही मिलता हूँ। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है ये तो बताओ। यार हमारा में एक साइंटिस्ट है, वो साला पागल हो चुका है। उसके गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से सारे के सारे विलेजेस इन्फेक्टेड हो गए। वो तो ये अच्छा होगा हम लोग बच गए, लेकिन क्या होगा हमारा भी, हम भी मर जाएंगे। अरे दारू की बोतल, यार भाई एक पैक लगा लूं क्या? अभी तेरे को मस्ती सूझ रही है, पागल है क्या? तो इसको ये सब नहीं मिलेगा यहाँ पर। यहाँ से निकलने का रास्ता हम लोग को देखना पड़ेगा, वरना यार ये तो कच्चा चबा जाएंगे। बाप रे यार, तू भी क्या देख रहा, तेरे को टेंशन नहीं हो रही क्या? यार ये तो पूरा नल्ला, ये तो क्या करेगा। एक सेकेंड, ये गेट पे इतने जोर से ठोकने की आवाज क्यों आ रही है? अरे यार गाइस ये देखो, अरे यार ये तो गेट तोड़ देगा। नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तुम क्या कर रहे हो, कुछ करो जल्दी से। काम हो तो जल्दी से ये जो है ना वुडन टेबल यहाँ पर लगा देता हूँ। अरे एक बच्चा आ गया, शिट यार इसको मारो। बच्चे तेरी 12 बजा दूंगा। यार बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी है, तो मार रहे हैं। यार बाप रे कैसा पागल बच्चा था वो ज़ॉम्बी का। चलो उसको मार दिया हम लोगों ने मिलके, लेकिन वो इतना खतरनाक है तो ये बाहर वाले कितने खतरनाक होंगे। चलो एक काम हो तो जल्दी से इसको यहाँ पर लगा ही देता हूँ। हाँ लग गया, अब नहीं आ पाएंगे ये। भगो यहाँ से, यार मेरी मदद करो ना यार। क्या करो विलेजर, तुम लोग मारो इसको, क्योंकि यहाँ से हम लोग भगाने किसी भी हाल में। मारो इनको। चलो भाई गेट बंद कर दिया, अब थोड़ा अपन सेफ है। नहीं लगता अपन लोग सेफ है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी वक्त के साथ और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। यार बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ मैं तो। यार ये बंदे हंस के सर इतनी खतरनाक सिचुएशन में। और एक सेकंड गाइस देखो, वहाँ खिड़की में भी आ गया ज़ॉम्बी। और इसने कांच तोड़ दिया, शिट। अरे दूर भागो यार, ये तो कांच तोड़ गया है। अरे दूर हो जाओ, अरे विलेजर दूर हो जा। अरे भाई तू वहाँ पास क्यों जा रहा है? अरे मत जा उसके पास, पागल है क्या? ओए हमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा हमारा तो। कुछ भी नहीं होगा, देख लो हम तो बिंदास यहाँ खड़े रहेंगे। और शिट गाइस उठा के ले गया। अरे यार बहुत टेंशन वाला काम हो गया है तो। यार कुर्सी तोड़ के यहाँ पर लगाना पड़ेगी मुझे। यार इसलिए मना करता हूँ, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए इनको। अरे हट यहाँ से यार, मुझे कुर्सी से पैक करने दे ये खिड़की, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं यार वो मिलियनेयर विलेजर के साथ क्या हो रहा होगा अभी। वो ज़ॉम्बी पता नहीं उसको पकड़ के कहाँ ले गया। यार देखो अब तो क्रीपर भी आ गए, क्या चालू है भाई। और एक सेकंड, ये इनके हाथ में क्या है ये? बाप रे यार ये तो मर्डर करना चाहते हैं, चाकू वाकू लेके आ गए। खतरनाक हो गया भाई मामला। और ये क्या पहन के आ गया भाई, मास्क? ये सबकी तो जरूरत ही नहीं है भाई, हम तो यूं ही निपट जाएंगे। नहीं यार क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ से अपन निकल पाएंगे, लेकिन एक आइडिया है, कभी अपन इस घर के छत पे पहुंच जाए तो फिर वहां से अपन किसी से मदद मांग सकते हैं। यहाँ पर तो रुकना सेफ नहीं है। अरे हाँ तूने अच्छा आइडिया दिया, कभी अपन इस घर की छत पे पहुंच जाए तो फिर शायद अपन यहाँ से निकलने का सोच भी सकते हैं, या फिर किसी को अपने को हेल्प भी मिल जाए। लेकिन जाएंगे कैसे, पिकेस वगैरह है तेरे पास? अरे हाँ है, ये देखो कबर्ड में है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर कबर्ड में है क्या? अरे हाँ गाइस है, तो चल फटाफट से काम पे लग जा फिर। जल्दी से यहाँ से मैं सब तोड़ता हूँ। ओ भाई आराम से तोड़ना, गलती नहीं होना चाहिए, कभी गलती हुई तो हो सकता है ज़ॉम्बी घुस जाए अंदर। मालूम है हमको बस सिखा। यार ये विलेजर्स को कभी कभार दिमाग बहुत ज्यादा चल जाता है। जल्दी से काम करो, पहले तो इसको ब्लॉक करता हूँ यहाँ से। हाँ अब सेफ है। चलो फिर गाइस फटाफट से ऊपर चलते हैं। चलो भाई ऊपर आ गए। अरे वो बाकी लोग तुम भी ऊपर आ जाओ, क्या कर रहे हो नीचे? यार ऊपर तो आ गए, लेकिन ऊपर तो और ही खतरनाक मामला है। ये देखो गाइस पता नहीं क्या क्या इनके हाथ में, बहुत ही लगता है हाईटेक ज़ॉम्बी है। यार मन कर रहा है तेरे को धक्का दे तो नीचे। ओ भाई ज्यादा दिमाग मत खराब कर, पागल है क्या? लेकिन यार मुझे एक बात बता, यहाँ से तो अपन निकल नहीं सकते, तो कुछ तो अपने आइडिया लगाना पड़ेगा। बेस के आसपास तो अपन कम से कम फेंसिंग वगैरह लगा दें। हाँ एक आइडिया आया है, कभी अपन किसी विलेजर को उठा के नीचे फेंक दें तो फिर तो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं अपने घर से फेंसिंग वगैरह लेके आ जाऊंगा और फिर अपन अपने बेस को प्रोटेक्ट कर देंगे। क्या बात है यार, क्या मस्त आइडिया दिया। लेकिन यार वो बलि का बकरा कौन बनेगा? हाँ यार कौन बनेगा, रुको मैं आता हूँ। यार ये कहाँ गया अभी नीचे? पता नहीं यार ये विलेजर की खोपड़ी में क्या चलता है, कुछ समझ ही नहीं आता। यार वो कौन साइंटिस्ट है जिसने ये विलेजर्स को ऐसा बना दिया, पता लगाना पड़ेगा। अरे ये देखो क्या हुआ भाई, तूने क्या करा ये? ये देखो इसको लेके आई है मैं, अपन इसको फेंकेंगे। अरे लेकिन इसको क्यों फेंकेगा? चलो फिर इसको फेंक देते हैं। लेकिन भाई क्यों फेंक रहा है? इसको मारने का खुद से ही, पता नहीं प्यार में पागल हो चुका है। फेंक देते इसको, फेंक देते अपन। हाँ फेंक दे इसको, फेंक दे जल्दी फेंक दे। यार नहीं सह सकता, पता नहीं ज़ॉम्बी लोग और ताकतवर हो रहे हैं। देखो गाइस वो विलेजर नीचे पहुंच चुका है। और क्या बात है, सारे के सारे ज़ॉम्बी अपने तरफ ले जा रहा है। ले जा बेटा, ले जा जल्दी जल्दी ले जा। ये तो कमाल हो गया यार, मजा आ गया। ये देखो सारे ज़ॉम्बी चले गए, आजा नीचे आजा। क्या बात है, बट अब क्या करूं मैं? अरे भाई तूने आईडी दिया था ना मुझे, जाके फटाफट से अपने घर जा और वो सब लेके आ, प्रोटेक्शन का सामान जितनी भी फेंसिंग सब लेके आ जा, फटाफट भाग। और थोड़ा बहुत
खाना भी लेके आ जाना भाई। लेके आता हूँ। पता नहीं गाइस वो कहाँ गया, लेकिन मैंने काम करते थोड़ा सा अपन विलेज के अंदर चलते हैं और कभी हम लोग को थोड़ा बहुत खाने पीने का आइटम मिलता ना वो सब अपन उठा लेते हैं। यार घरों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब कुछ खाली हो चुका है। लगता है वो ज़ॉम्बी सब कुछ लूट के लेके चले गए। पूरे खेत, बाप रे खेत में भी कुछ भी नहीं है, बस ये बीज बचे हैं। वो थोड़ा बहुत वीट मिल के चलो काम हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर चेस्ट रखा है, देखते इसके अंदर क्या है। अंडा, चलो अच्छा है ये भी मिल गया। लेकिन ये सब क्या कचरा है यार, चेस्ट के अंदर चेस्ट रखा हुआ है। बड़ा ही गरीब विलेज है ये तो यार। अब जल्दी से मैं घर चलता हूँ और देखता हूँ वो दोस्त क्या क्या लेके आया है। चलो गाइस ये भी आ गया। हाँ भाई साहब जल्दी बोल, कुछ लेके आया क्या। लेके आया हूँ ये देखो। अच्छा अच्छा ये क्या है, ओ माय गॉड क्या बात है, फैंटास्टिक। जल्दी जल्दी लगाते फिर अपन इसको यहाँ पर। यार बहुत अच्छी चीज लेके आ गए तो यार ये तो। एक काम को जल्दी से पूरा पूरा एरिया कवर कर दे। ठीक है करता हूँ। यार गाइस पता नहीं बंदा कहाँ कहाँ से ये सब चीजें लेके आ गया, लेकिन चलो अपना काम हो जाएगा। जल्दी से इसको भी यहाँ पर अपन लगाते हैं। यार मस्त चीज है ये, देखो कितनी खतरनाक दिख रही है। वो ज़ॉम्बी विलेजर जब यहाँ पर आएंगे ना और कभी बाय चांस इसके अंदर फंसे तो फिर तो भाई उनका काम तमाम। यार ये भी सही चीज लेके आ गया भाई तू। ये तो भाई मेरे घर में पड़ा ही रहता है ऐसा ही। पता नहीं गाइस कौन सा धंधा करता है ये इलीगल, लेकिन क्या करना अपने को। जल्दी से और भी यहाँ पर भी कवर कर देता अपन इससे। और ये जो है बार्ड वायर ये तो बहुत जरूरी चीज है, इसको यहाँ पर लगाना कंपलसरी है भाई अपने लिए। तगड़ी प्रोटेक्शन देना पड़ेगी, कभी भी वो आ सकते हैं। ये देखो गाइस इतनी खतरनाक हमने प्रोटेक्शन यहाँ पर दे दिए। अब मुझे नहीं लगता कि वो ज़ॉम्बीज यहाँ पर भटकेंगे भी यार, अभी आ भी गए तो यार अपने कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब जल्दी से अपन अंदर भागते फिर। बस मुझे यार खाने की टेंशन है जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम है, पता नहीं हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। और अभी मुझे क्या लगता है ना गाइस यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। वो देखो ज़ॉम्बी विलेजर आ गया इधर, जल्दी से भाग अंदर भागो। अरे ये टेबल हटाओ इसको जल्दी से, मन करो फिर से आ गए यार ये तो यहाँ पर। बहुत बड़ी मुसीबत है, अंदर भी आ रहे हैं। अरे अंदर मत आना दो, बंद कर दो, सब कुछ पैक कर दो। अभी विलेजर अपने जो प्रोटेक्शन करी उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या। नहीं हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो देखो बाहर आर्मर पहन के आ गए। क्या बोल रहे हैं आर्मर पहन के आ गए, अरे हाँ यार ये तो अंदर घुस जाएंगे ऐसे तो। क्या करें संडास। संडास पागल है क्या, देखो डर के मारे पोटी लग गई क्या। अबे नहीं, अरे ये संडास, इसका मतलब घर के नीचे गटर होगा। गटर है इसके नीचे, गटर है। लेकिन वहाँ पर पहुंचे कैसे। रुक दूर हट। क्या हो गया गाइस, अपने को दूर हटने को क्यों बोल रहा है तू, देख बस। अरे क्या है मत फोड़ना, माइन लगा दी इसने। नहीं ओ शिट, अरे यार पागल है क्या, यहाँ पर माइन फोड़ दी इसने। क्या पागल आदमी है यार, ये देखो यहाँ पर गटर का रास्ता खुल गया है। इधर मैं तो जा रहा हूँ। क्या बात है गाइस, लगता अपने को भी चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत भयंकर तादाद बढ़ रही है ज़ॉम्बीज की यहाँ पर, नहीं बच सकते। चलो फिर चलते हैं। क्या बात है आ गए, ये तो बहुत मस्त है यार। क्या लगता है अपन यहाँ से निकल जाएंगे। शायद निकल जाएंगे, चलो आ जाओ पीछे मेरे। चल चल भाई जल्दी चल जल्दी चल। लेकिन जाना किधर है यार, ये तो बहुत बड़ा गटर दिख रहा है, रास्ता कहाँ से। देखना पड़ेगा अभी यार, तो फिर बोलता क्यों कि देखो रास्ता मालूम है। चलो गाइस अपन आगे बढ़ के थोड़ा सा देखते हैं। और भाई चलते चलते अपन कहाँ गए, बड़ी अंधेरी जगह है लेकिन यहाँ से उजाला आ रहा है, आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा अच्छा एक सेकंड, ये सब तुम लोगों ने गोल्डन चश्मा कहाँ से पहन लिया भाई। यार वो मिले ना विलेजर का है, हमको मिला तो हमने पहन लिया। पता नहीं यार ये इतनी कॉमेडी क्यों करते हैं सीरियस टाइम में। लेकिन एक सेकंड, अब यहाँ से आगे जाने के लिए अपने को तोड़ना पड़ेगा, तो ठीक है फटाफट से तोड़ते अपन इसको। चलो भाई टूट गया। और एक सेकंड, ये सब क्या है इधर यार, ये तो वो ज़ॉम्बी विलेजर्स के लगता है हायर वर्जन है, इनसे बच के रहना पड़ेगा अपने को। नहीं नहीं इन सबको मारना पड़ेगा, देखो अपने पीछे आ रहे हैं। अरे हाँ आ रहे, अरे बंदूक मारो इनको। क्या बात है बढ़िया। और ये क्या है, अरे मुझे बचाइए मार रहा है। रुको सबको मारता हूँ। हाँ यार मार इसको, बाप रे बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन वो बन किसे गए समझ नहीं आया, लगता है ये पानी में कुछ गड़बड़ है। पानी में गड़बड़ है लेकिन क्या, अरे पानी में तो ये डुबकी मार रहा है ये तो, ये देखो इसको। लगता है ये लोग अब ज़ॉम्बी विलेजर बन जाएंगे, और देखो पीछे ज़ॉम्बी बन गए। क्या बोल रहे हो, अरे नहीं, अरे पानी से अपने को दूर भागना पड़ेगा, ये पानी बहुत टॉक्सिक है। ये पानी में जिसने डुबके ले गए देखो वो ज़ॉम्बी बन चुका है। अरे कहाँ भाग रहे, इनको मार जल्दी से। यार मुझे बंदूक दे। यार तेरे पास बंदूक थी तूने बताया नहीं, क्या मस्त बंदूक देखो गाइस। अरे शिट ये पास आ गया, मारो इसको यार। ये क्या है बड़ी खतरनाक दिख रहे हैं। हाँ मर गए, वहाँ पर मुंडी भी रखी हुई है। ओ भाई आराम से पानी में मत डूब, पागल है क्या। नहीं नहीं पानी में नहीं डूबा मैं। लेकिन अब अपन यहाँ से जाएंगे कैसे, पता नहीं कैसे जाएं, रास्ता बंद है। हाँ एक सेकंड, ये बॉडी किसकी है यार, पता नहीं किसकी बॉडी है, लगता कोई प्लेयर आया था अपने जैसे ही, मर गया इधर आके। लेकिन अपन आगे जाए कहाँ से यार, यहाँ से भी रास्ता बंद है और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यार फंस चुके हैं अपन लगता है, क्या करें नहीं समझ में आ रहा है। यार गाइस मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर किसी की कब्र भी खुदी हुई है। पीछे देखो देखो वो आ गए। कौन, अरे यार कहाँ से आ गई है, मारो इनको। यार ये मुसीबत फिर से आ गई। अच्छा वो ऊपर से आ रहे क्या, खत्म करो इनको जल्दी से खत्म करो। यार मेरी गोली खत्म हो चुकी है, भागना पड़ेगा लगता है, अब कोई चारा नहीं है, लगता है यहाँ से निकलना पड़ेगा। चल आ जा जल्दी से। आ रहा हूँ। यार पता नहीं कौन सी ओपनिंग है, पता नहीं हम लोग कहाँ निकलेंगे। क्या बात है फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं। लगता है गाइस वो विलेजर ने बलिदान दे दिया। अरे नहीं तो आ गया। आ गया मैं तो, यार मैं तो खतरनाक आदमी हूँ, 10 ज़ॉम्बी को तो ऐसी बार लगा दूं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और साथ में अपन ने वो टॉक्सिक
पानी के अंदर भी डुबकी लगा दी है। इसका मतलब समझे गाइस, 5 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों जॉम्बी बनने वाले हैं। अब क्या करें भाई, क्या करें यार, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस एक रास्ता है। कभी अपन वो साइंटिस्ट के लैब में चले गए ना, तो वहाँ वो अपने को दे सकता है पोशन, हो सकता है अपन उसे ठीक हो जाए। अच्छा तो इसका मतलब वो साइंटिस्ट के पास वो सॉल्यूशन है क्या? यार पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, चलो लैब में चलते फिर। यार गाइस पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है शायद अपने को लैब के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है फटाफट से अपन चलते फिर वहीं पर ही। यार ये विलेजर अपन किस साइड आ गए अपन अब? बाप रे यहाँ पर गाइस कितना खून खराब हो रखा है, लगता है ये सब मिलिट्री वाले लोग ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते मर गए। क्या लगता है तुझे? लगता है यही होगा। अरे एक सेकंड, यहाँ आओ। किस साइड ले जा रहा है यार ये? ये तो गाइस एक ब्रिज है, एक अबैंडेंड ब्रिज। यार ये तो पूरा तहस नहस हो चुका है, लगता है ये सब काम ज़ॉम्बी विलेजर्स का ही है। और एक सेकंड, आगे क्या है? अरे नहीं, बाप रे इतनी बड़ी रवीन। और यार यहाँ पर जो ब्रिज था वो भी टूट चुका है। अरे विलेजर उधर क्या घूम रहा है, इधर आ। क्या करना आगे? आगे का रास्ता तो है नहीं, लगता है यहाँ से कूदी मारना पड़ेगी। अरे पागल है क्या, मैं तो नहीं मारा कूदी। अरे तो फिर कोई रास्ता ही नहीं, कहाँ जाएंगे फिर, क्योंकि उस पार है लैब, जाना पड़ेगा। अरे यार क्या मुसीबत है यार, मैं हमेशा ऐसी कंडीशन में क्यों फंस जाता हूँ। शी यार, अलविदा। अरे कहाँ गिर गया वो? अरे यार ये पागल है सारे विलेजर्स। अच्छा मस्ती चालू है तेरी? मस्ती थोड़ी बहुत करता रहता हूँ मैं। यार ये विलेजर्स को पता नहीं इतनी मुश्किल टाइमों में ऐसी मस्ती क्यों सोचती है। भाई तू ये सब छोड़, अपने को वहाँ पर जाने का रास्ता निकालना पड़ेगा किसी भी हाल में। क्या करें, गाड़ी होती तो यहाँ से कूदी मारते। गाड़ी? एक सेकेंड, इधर आ इधर आ, ये देख यहाँ पर एक गाड़ी है ऑलरेडी। लगता है ये गाड़ी सोल्जर की थी, लेकिन ये सोल्जर मर चुका है। तो ठीक है चल अपन ये गाड़ी ले चलते हैं, आजा। अरे नहीं नहीं चला सकते, टायर ही नहीं है। अरे हाँ यार टायर ही नहीं इसका, तो सारे टायर इसके यहाँ से निकले हुए। अब क्या करें, अब यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ये टायर है, लेकिन ये टायर कुछ काम के नहीं लग रहे। यार क्या करें अपन अब? अरे एक सेकंड इधर आओ। क्या हो गया, क्या हो गया? ये देखो। अरे टायर, क्या बात है, ये टायर की तो हमको जरूरत है, उठा ले। लगता मुझे यहाँ आसपास ही टायर होंगे और भी। हाँ हाँ ठीक है फटाफट ढूंढ फिर। अरे ये देख मुझे तो इंजन मिल गया यहाँ पर। क्या बात है, लगता है ये गाड़ी का इंजन है। हाँ इसी का इंजन है, मिल गया टायर। अरे किधर किधर, कहाँ पर? इधर आओ। वायर गाइस सब टायर मिल रहा अपने को, क्या बात है, एक और टायर मिल गया। एक और, एक और। ये टायर थोड़ी ना, क्या ये? अरे तो पिस्टन है, पिस्टन लगा लगा, इसकी मदद से अपन टायर और इंजन लगाएंगे, आजा। क्या बात है, बस गाइस अपने को 2 टायर और चाहिए। मिल गया एक और, मिल गया दो, दो फटाफट दो। क्या बात है, अबे एक ही तो मिला है, एक और किधर है? बस इतना ही मिला है, बाकी टायर नहीं मिले। यार क्या मुसीबत है, एक और टायर मिल जाता ना तो मजा आ जाता। कहाँ से मिलेगा एक और टायर, मिल ही नहीं रहा यार। एक सेकंड, शिट, बाप रे यार, अबे ज़ॉम्बीज आ गए उधर से, क्या करें? नहीं नहीं समझ में आ रहा है, लगता है ब्रिज से कूदना पड़ेगा। हाँ यार पकड़ा जाएंगे। अरे ये बच्चा, ये बच्चे की बारे की ढेर। अरे भाग जल्दी से। अरे गरीबो ऊपर देखो। एक सेकंड, ये कौन है? अरे डैश एम्पायर आ गया है, क्या बात है, भागो भागो ज़ॉम्बी से भागो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ इधर। ओके कौन बचे? 2 बच्चे इनको मार दूंगा। और इनको मारो जल्दी, मरेंगे आज। फाइनली यार डैश भाई तुम तो बहुत सही टाइम पे आए, लेकिन तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हम यहाँ पर हैं? यार मुझे मेरी इंडियन आर्मी ने बताया था कि तुम लोग यहाँ पर फंसे हुए हो, तो इसलिए मैं तुमको बचाने के लिए जल्दी आ गया। अच्छा डैश भाई आ गए, वरना अपन मर जाते हैं। लेकिन यार ये हमारा दुश्मन है। अरे अपन अभी ऐसी मुसीबत में फंसे हुए यार, तो यहाँ पे कोई दुश्मन दोस्त कुछ भी नहीं है भाई, सब दोस्त ही यहाँ पर, मिलकर अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो यार मैं तो तुरंत आ गया बिना सोचे समझे, लेकिन तुम्हारा आगे निकलने का प्लान क्या है, कहाँ से भागोगे? यार इधर आओ, बेसिकली यहाँ का जो ब्रिज है ना आगे का, वो टूट चुका है, तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुम वहाँ से आए। अरे मैं पैराग्लाइडर से उड़ते हुए आया था ना, मुझे बिल्कुल दिखाया यार, ब्रिज पूरा टूटा हुआ है, ये पागल क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। ओ अरे, गिर के मर गया ये तो। नहीं, नहीं, अरे नहीं, ये पर खड़ा है। हो गया आपके साथ। यार मेरा मन होता है इसको पकड़ के मारूं, तुम डेज भाई सही करते हो। यार मैं तो कहता इधर ही भर देते इसको, एक गन एक्स्ट्रा है मेरे पास में वैसे भी। भर दो जाले को। नहीं 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 नहीं। अरे छोड़ो उसको, देखो मेरे पास ना ये गाड़ी के पार्ट्स है, कभी अपन ने वो वाली गाड़ी ठीक कर ली ना तो फिर अपन यहाँ से निकल सकते हैं। अरे हाँ यार ये चीज हम लोग कर सकते जरूर, और गाड़ी से छलांग भी मार सकते इधर से। यार लेकिन वो गाड़ी को चलाने के लिए 4 चक्के चाहिए और मेरे पास 1 है, ये देखो। एक है क्या बात है, हमारे पास 3 चक्के ऑलरेडी है, देना फटाफट से। क्या बात है, चलो फिर आज फटाफट से इसको असेंबल करते। चलो जल्दी से यार, हम लोग गाड़ी में बैठ के भागेंगे। क्या बात है फाइनली। अरे बाप रे तुमने तो अपने हाथ से उठा ली। अरे गाड़ी को उठाना पड़ेगा यार, अरे हम इंडियन आर्मी वाले यार, प्राउड एकदम। यहाँ पर रख देता हूँ इसको, और ये देखो। चलो एक काम करो, फटाफट से इसके अंदर सब टायर वगैरह असेंबल कर देता हूँ मैं, ये हो गए, और साथ में इंजन भी लगा देता हूँ। चलो भाई काम हो गया, अब गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी यार ये विलेजर चलाएगा। ले फटाफट से चला। चलो डेश भाई और विलेजर तैयार हो? सब तैयार है, भगाओ। 1 2 3 स्टार्ट, देखते क्या होता है। अरे अरे पार हो गए, क्या बात है, क्या बात है, पार हो गए फाइनली यार, चलो उतर जाओ। अरे यार शेट यार, गाड़ी फंस गई इधर, लगता आगे नहीं जा पाएंगे। यार ये ज़ॉम्बी लोग अभी नहीं मान रहे, और अपनी गाड़ी भी तबाह हो चुकी है, अब क्या करना है, लगता पैदल ही जाना पड़ेगा अपने को। यार अब कोई और ऑप्शन नहीं है, सामने सामने चलते पैदल एकदम। यार मुझे एक बार बताओ तुम लोग जा कहाँ पर रहे हो? साइंटिस्ट के लैब जा रहे थे हम लोग। यार तुम लोग साइंटिस्ट के लैब में जा रहे हो? चलो जल्दी साथ में चलते हैं। चलो फिर, तुम्हारे पास गन भी है, तुम हमारी सेफ्टी अच्छे से कर लोगे। चलो साथियों साथ में चल रहे, लेजर पीछे रह जाएगा तो मर जाएगा फिर। चलते चलते। अरे फाइनली देखो डैश भाई, अपन पहुंच चुके हैं लैब के पास।
अरे क्या बात है यार, यही लैब है, यही पर पागल साइंटिस्ट है। साल उसके वजह से यहाँ पर पूरा वायरस फैला हुआ है। हाँ हाँ, यही है यही है। अच्छा यही है ना, चलो ठीक है, बढ़िया है। ये क्या हो रहा है? अरे शिट, ज़ॉम्बी बन चुका है देश भाई। अरे ज़ॉम्बी बन गया ये, मारो इसको। क्या यार, ज़ॉम्बी बन गया था और मुझे मालूम है ये ज़ॉम्बी क्यों बना है। ये ज़ॉम्बी इसलिए बना है क्योंकि ज़ॉम्बी ने हमको काट लिया था। मैं भी कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ, उससे पहले मुझे वो साइंटिस्ट से मिलना पड़ेगा। चलो यार जल्दी चलो यार, तुम ज़ॉम्बी बन गए तो मैं अकेला बच जाऊंगा, फिर मुझे मारना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। चलो आ जाओ फटाफट से। लेकिन यार जाएंगे कैसे अंदर अपन? वो पता नहीं वो ज़ॉम्बी अंदर है भी कि नहीं। यार ऐसे जाएंगे यार, रास्ता इस तरफ, आ जाओ जल्दी। अरे देश भाई देखो यार, रुको, वो देखो भाई कितने सारे ज़ॉम्बी है इधर। यार पता नहीं वो साइंटिस्ट जिंदा होगा भी नहीं। यार मारो इनको, तुम्हारे पास एक गन है क्या? मुझे भी दो गन है, एक और एक्स्ट्रा गन ले लो। बच्चा आ गया। यार बाप रे, इतने सारे ज़ॉम्बी कैसे आ गए यार? पता नहीं वो साइंटिस्ट जिंदा होगा कि भी नहीं। तुम अपने को बचाओ, मुझे तो ज़ॉम्बी ऑलरेडी काट चुके हैं, मैं कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। यार मुझे नहीं काटेंगे, कपड़े बहुत मोटे हैं मेरे। बेश भाई किधर जाने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो कितनी सारी लाशें पड़ी हुई है। ये कोई ज़ॉम्बी वगैरह नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, वो साइंटिस्ट ने सर काट के रखा है इन लोगों का। हाँ यार मुझे भी लग रहा है। यार चल के अपन ऊपर चल के देखते हैं, हो सकता है यहाँ पर वो साइंटिस्ट छुपा हुआ हो। अरे ये तो छत है यार, तू किधर मिलेगा यार वो? यार मुझे नहीं पता है, इस तरफ देखते। ये टावर में क्या है? टावर में जाने का रास्ता कहाँ पर है? नहीं वो टावर में कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर वो लैब है। ओ ये रहा वो लैब। यार लगता है यही पर जाना है, लेकिन रास्ता कहाँ पर है जाने का? यार रास्ता देखो यहाँ से, लगता है हमको वापस अंदर जाना पड़ेगा। और ये जो भी टेबल और कुर्सी ना, इनको हटाना पड़ेगा, तभी अपन अंदर जा पाएंगे। चले फिर। चलो यार ये रास्ता ब्लॉक करने के लिए लगाया गया है, जल्दी आ जाओ। आ जाओ फिर जल्दी से। चलो देश भाई जल्दी से दरवाजा तोड़ दो। तोड़ रहा हूँ लेकिन एक मिनट, बुलेट प्रूफ है ये तो, ऐसे खुल रहा है। अरे चलो फिर अंदर आ जाओ, तो जल्दी से हम लोग सब हटाना पड़ेगा यहाँ से, टेबल कुर्सी जो भी है। चलते जल्दी अंदर। और यहाँ पर भी आग लगी हुई है और खून भी है इधर। यार क्या हुआ यहाँ पर, तबाही मची हुई है। अरे ये कोई है इसके अंदर? अंदर कौन है, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या गंदगी है, ये साइंटिस्ट, इसको क्या हो गया? इसका तो कोबर निकल गया पीछे से। अरे तो बहुत काम किया ना इसने, झुक गया ये बंदा। ए कौन हो तुम लोग? अबे हम इंडियन आर्मी, अभी सर पे गोली मारूंगा ना, जो बचा है वो भी नहीं बचेगा। देश भाई वही है जिसके केमिकल की वजह से जितने भी विलेजर्स है ना, वो सब ज़ॉम्बी विलेजर्स बन चुके हैं। मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है, कहीं तुम भी वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई? मैं तो नहीं हूँ लेकिन कैरी वही है। तेरे वजह से बस मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। जल्दी से मुझे कोई केमिकल दे जिसकी वजह से जो ज़ॉम्बी पैरासाइट्स मेरे बॉडी के अंदर है ना, वो खत्म हो जाए, ताकि मैं फिर से नॉर्मल इंसान बन जाऊँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। लगता है अपने को अब जिंदगी भर यही सड़ के मरना पड़ेगा। यार देश भाई क्या बोल रहा है ये, अब क्या करें? एक सेकंड, ये मुझे क्या हो रहा है? देश भाई यार तुम ज़ॉम्बी बन रहे हो यार, तुम्हें मारना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं मुझे मत मारो अभी, अभी मैं पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना हूं, अभी मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ए साइंटिस्ट जल्दी बोल, क्या करूं मैं? नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। यार इतनी आसानी से मैं नहीं मरूंगा, किसी को लेके मरूंगा। यार तुम साइंटिस्ट को लेकर मरो और किसी को नहीं। नहीं नहीं मुझे क्यों लेके मरूंगा भाई, और इससे अच्छा एक काम करो, तुम जितनी भी ज़ॉम्बीज है उनको लेके मर जाओ। यार आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है यार, फीलिंग प्राउड हो जाएगा पूरा। जाओ यार गाइस, मुझे लगता है मुझे अपना बलिदान देना ही पड़ेगा। अगर मैंने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया ना, तो फिर हम इस माइक्रोफोन को सेव कर सकते हैं। यार ये लोग पीछे डांस क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, जश्न का माहौल है, जश्न बनाओ। बच गए बच गए, ओ हम दोनों बच गए, क्या बात है। यार कैसे नमूने लोग हैं, मेरे बलिदान पे नाच रहे। चलो ठीक है कोई ना, लेकिन मुझे कोई आइडिया तो बताओ कि मैं वो सारे सारे ज़ॉम्बीज का खात्मा कैसे करूं। यार मेरे तो काम तो लेट जाता हूँ। यार देश में पागल हो चुका है, जल्दी उठ जल्दी बता। यार मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ अभी आराम कर लेता हूँ, तुम्हें डेश में बताएंगे। चलो डेश में कोई आइडिया बताओ जल्दी से। यार मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं अभी आर्मी का हेलीकॉप्टर बुला सकता हूँ और उसमें हम लोग बहुत सारा TNT और बारूद भर देंगे, और वो बारूद को तुम उड़ा के ले जाना और जहाँ पे भी ज़ॉम्बी है वहाँ पर फोड़ देना। हाँ यार ये सही आइडिया है, लेकिन इसमें मेरी जान चली जाएगी। बस देश भाई काम कर देना, मेरे बाबूजी को मेरी लाश भेज देना, वो भी तिरंगा में लपेट कर, ठीक है? अरे जो भी यार टुकड़े भेज देना मेरे बॉडी के, ठीक है? ठीक है ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ठीक है फटाफट से हेलीकॉप्टर बुलाओ। तो मेरे पास दो दो बॉम्ब है, एक है फिजिक्स बॉम्ब, एक है हाइड्रोजन बॉम्ब। ये दोनों जब फूटेंगे ना, तो आसपास के सारे जानवर पक्षी सब मर जाएंगे और जमीन तो फूट जाएगा पूरा, तो थोड़ा सोच के यूज करना। अरे लेकिन ज़ॉम्बी मरेंगे कि नहीं, तुमने वो तो बताया नहीं। ज़ॉम्बी तो सबसे पहले मरेंगे। ऐसा क्या? तो ठीक है चलो फिर, अलविदा दोस्तों, मैं जाता हूँ। लेकिन इसमें एक और बंदे की जरूरत है, एक काम करते हैं साइंटिस्ट को बिठा देते, बैठ साइंटिस्ट जल्दी। हाँ नहीं नहीं मुझे मुझे मत बिठाओ, क्या कर रहे हो यार? किसी क्या कर रहे डेश भाई? अच्छा शायद अपने देश के लिए कर रहे हैं। चल साइंटिस्ट फटाफट से आ जा जल्दी से, तेरे वजह से हुआ है जो भी हुआ है, तो अगर तेरी जान भी चली जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है कैरी भाई, साइंटिस्ट को लेके जाओ, साइंटिस्ट मारना चाहिए बिल्कुल। चलो फिर चलते हैं, अलविदा। चलो साइंटिस्ट, फाइनली अपन वो गांव में आ चुके हैं जहाँ पर तेरी वजह से ना सारे विलेजर ज़ॉम्बी बन चुके थे। रुक जा मैं फटाफट से अब TNT फेंकता हूँ। वो ज़ॉम्बी, ये लो। क्या बात है गाइस, देखो क्या खतरनाक TNT दिया यार वो डैश भाई ने। नहीं मैं आर्मी वाले के पास TNT बहुत अच्छे होते हैं। ओ माय गॉड गाइस, देखा मैंने लिटरली तबाही मचा दी है। अब तो मुझे लगता है शायद कोई ज़ॉम्बी बचा होगा, सबकी कब्र खोद दी मैंने यहाँ पर। साइंटिस्ट अब मेरे पास एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, इसको मैं यहाँ पर लगा के नीचे कूद रहा हूँ। ये बॉम्ब को तो फोड़ देना नीचे, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या बात है साइंटिस्ट, तूने अच्छा किया कि तूने इसको यहाँ पर लैंड कर दिया। फटाफट से गाइस मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। चलो हो गया, जा साइंटिस्ट इसको उड़ा के ले जा। हाँ ठीक है जाता हूँ।
हुए। साइंटिस्ट फटाफट से वो TNT समन कर। अरे क्या पागल आदमी था, खुद ही मर गया। अरे यार चलो अच्छा गाइस वो खत्म हो गया। वैसे भी गाइस उसकी वजह से मैं ज़ॉम्बी बना हूं। अरे गाइस वो देखो वहां पर हाइड्रोजन बम है यार, यही बम था जो मैंने उसको फोड़ने का बोला था लेकिन साला फोड़ ही नहीं पाया। चलो कोई ना अभी हाइड्रोजन बम मैं फोड़ता हूं। इसको रखते हैं अपने दाएं हाथ में, बहुत डर लग रहा है मुझे। और देखो वहां पर एक ज़ॉम्बी बच गया है, चलो इस पे फोड़ देते हैं। लेकिन इस बम के अंदर मैं भी मर जाऊंगा, ठीक है, मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है। 1 2 3 फोड़ दिया, सब खत्म हो जाएगा। और गाइस फिर ऐसे करके मैंने पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को बचा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।